हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको याद होगा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं आपके लिए एक एनएलपी का कोर्स बनाने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैंने ये भी अनाउंस किया था कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट एनएलपी के ऊपर बना के दूंगा। सो टुडे इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ एनएलपी के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको एनएलपी का एंड टू एंड रोड मैप बताऊंगा। सो अगर आप एक एनएलपी इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर आप किसी ऐसे जॉब में अप्लाई करना चाहते हो जहां पे एनएलपी का रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब माइंड यू, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आपको कवर करने होंगे एनएलपी पढ़ने के प्रोसेस में। उनको कहाँ से पढ़ना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम होगा एनएलपी रिसोर्सेज, जहाँ पे मैं आपके साथ सारे के सारे रिसोर्सेज शेयर करूंगा जिनको यूज करके मैंने एनएलपी पढ़ा था। इट वुड इंक्लूड ऑल द वीडियो कोर्सेज, बुक्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ उस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड देन आई हैव प्लान्ड अ थर्ड वीडियो जहाँ पे मैं आपके साथ प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्कस करूंगा जो आप एनएलपी में बना सकते हो। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एंड टू एंड देख लिया और समझ लिया तो आपके पास एक रोड मैप होगा कि आप किस तरीके से एक अच्छा एनएलपी इंजीनियर बन सकते हो, जो आपको तब भी हेल्प करेगा जब आप मेरा एनएलपी का वीडियो कोर्स देख रहे होगे। ठीक है, सो आई हैव मेड अ पीपीटी, मैं उस पीपीटी को फॉलो करूंगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे जो भी आपको पढ़ना है करिकुलम को मैंने छह पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है प्रिपरेशन लेवल वन। जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं एनएलपी को पढ़ने के लिए वो मैंने इस पार्ट में कवर किया है। देन एनएलपी बेसिक्स, देन प्रिपरेशन लेवल टू। ठीक है, अब इसमें क्या है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। उसके बाद एडवांस एनएलपी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स एंड डिप्लॉयमेंट, एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, सो पूरा हर चीज मैंने ट्राई किया इसमें कवर करने का कि एक बिगिनर कैसे एनएलपी इंजीनियर बन सकता है, इवन उसको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सब भी यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्रिपरेशन लेवल वन। सो प्रिपरेशन लेवल वन की जरूरत उन लोगों को है जो एकदम ही बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी पाइथन भी शायद टच नहीं किया है और उन्होंने मशीन लर्निंग ऑब्वियसली नहीं पढ़ा है, एंड दे वांट टू गेट इनटू द डोमेन ऑफ एनएलपी। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो है पाइथन सीखना पड़ेगा। पाइथन के बेसिक्स आपको आने चाहिए, एज इन बेसिक सिंटेक्स क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक चीज जिसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है वो है पाइथन का स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि एनएलपी में यू विल बी डीलिंग विथ टेक्स्ट, तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के साथ कैसे काम किया जाता है यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको आगे बहुत काम आएगा वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो किसी भी पैटर्न का स्ट्रिंग को आप कैसे एक बड़े स्ट्रिंग के अंदर खोज पाते हो वो आप जनरली करते हो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। थोड़ा डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए, बट अगर आप एक से दो दिन यहाँ पे स्पेंड करो तो आपको सफिशियंटली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, सो वंस यू आर डन विथ पाइथन, अब आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो आना चाहिए। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग, मशीन लर्निंग टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। सब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, सारे एल्गोरिथम्स कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली मशीन लर्निंग का जो वर्क फ्लो होता है कि कैसे आप डेटा सेट को उठा करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग करके आप कैसे मॉडल्स अप्लाई करते हो, ये पूरा फ्लो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एल्गोरिथम्स की बात करो तो सिंस हमें सिर्फ एनएलपी पढ़ना है तो आपको दो तीन एल्गोरिथम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है नाइव बेस, उसके बाद आपको SVM और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कभी कभी काम आ सकता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको ensemble methods भी पढ़ने चाहिए कि आप कैसे मल्टीपल algorithms को क्लब करके एक और बेटर मॉडल बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ने में आएगा, सबको एक से दो हफ्ते लगेंगे। सी मशीन लर्निंग बहुत ही वास्ट है, अगर आप सब कुछ कवर करने जाओगे तो इट वुड टेक 3-4 months, तो मैं सब कुछ पढ़ना रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से मशीन लर्निंग का जो कोर आइडियाज है वो उठाने को बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज और अच्छे से पढ़नी चाहिए और वो है लैंग्वेज का बेसिक्स।
ठीक है, अब ये थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स के डोमेन में आता है. सी, एनएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टेक्नोलॉजीज, थ्री थिंग्स, नॉट टेक्नोलॉजीज, थ्री टॉपिक्स या थ्री सब्जेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, देन कंप्यूटर साइंस एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अगर आपको एनएलपी में अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको इन तीनों के बारे में आइडिया होना चाहिए. आपको लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि लैंग्वेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, सारे लैंग्वेजेस में कॉमन एक स्ट्रक्चरिंग होती है, वो कैसे काम करता है. यहाँ पर सिंस हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे इंग्लिश के ऊपर, तो आपको इंग्लिश के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए. जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं. उसके बाद कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं सभी लैंग्वेजेस में, जिनको हम फोनीम्स, मॉर्फीम्स और लेग्जीम्स के नाम से जानते हैं. और इसके अलावा उस लैंग्वेज का जो ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट स्टाइल है और जो सिंटेक्स है, जिस तरीके से वो लैंग्वेज लिखा जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. शुरू में भले ही ना लगे, बट जैसे आप थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, वहां पे आपको दिखाई देगा कि मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक चीज और आनी चाहिए और वो है डेटा एक्विजिशन. सो डेटा एक्विजिशन में क्या सीखना है आपको? डेटा एक्विजिशन में बेसिकली आपको ये चीजें सीखनी है. द आइडिया इज वेरी सिंपल, आपको टेक्सचुअल डेटा के ऊपर काम करना है, वो डेटा कहीं ना कहीं से तो आपके पास आएगा, तो आपको ये सीखना है कि डेटा को कैसे अपने पास लाना है. ठीक है, देर आर मल्टीपल थिंग्स. अगर आपको किसी वेबसाइट का डेटा उठाना है तो आपको वेब स्क्रीपिंग सीखना पड़ेगा. अगर आप किसी एपीआई से डेटा लाना चाहते हो तो एपीआई के साथ कैसे काम किया जाता है वो सीखना पड़ेगा. इसके अलावा हो सकता है कि फाइल्स का डेटा आपको यूज करना है तो आपको फाइल्स के साथ काम करना आना चाहिए, पीडीएफ फाइल्स के साथ काम करना आना चाहिए, टेक्सचुअल फाइल्स के साथ काम करना आना चाहिए. इससे क्या होगा कि कभी भी आप डेटा को सोर्स करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अब ये पूरा जो प्रिपरेशन लेवल वन है, ये मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा. अगर कोई ऑलरेडी मशीन लर्निंग में काफी टाइम स्पेंड कर चुका है तो शायद उसको 2 दिन भी ना लगे, थोड़ा सा बस लैंग्वेज बेसिक्स पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है. बट अगर आप एकदम ही बिगनर हो, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आई थिंक इस पूरी चीज को कवर करने में आपको 1 महीने से 1.5 महीने तक लग सकता है, या अगर आप थोड़ा फास्ट करो तो शायद 1 महीने में आप ये कवर कर पाओ. ठीक है, बट एक बार अगर आपने इतना कर लिया तो अब आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल पे मूव करने के लिए, दैट इज एनएलपी का बेसिक्स पढ़ना. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एनएलपी के बेसिक्स में आपको क्या चीजें पढ़नी होंगी. ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. तो टेक्स्टुअल डेटा में बहुत तरह की गलतियां होती हैं. ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टॉप वर्ड्स हैं, या फिर अलग अलग फॉर्म में सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो बहुत तरह की परेशानियां होती हैं. आपको क्या करना होता है कि जब आप उनके ऊपर एप्लीकेशन मॉडल्स अप्लाई करते हो, उसके पहले उसकी वो प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ता है. तो इस स्टेज को बोला जाता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को लिस्ट किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद आप हमेशा यूज करोगे, जैसे कि रिमूविंग पंक्चुएशन एंड स्टॉप वर्ड्स. स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? जो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, एंड और फॉर द, इनका एक्चुअली वर्ड के सॉरी पूरे के पूरे टेक्स्ट के जो कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये बस सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं, तो इनको हटा दिया जाता है. सिमिलरली आप पंक्चुएशन हटा देते हो, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. तो ये सब प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है. नेक्स्ट इज टोकनाइजेशन. आप वर्ड बाय वर्ड सारे सेंटेंसेस को अलग कर देते हो सो दैट आप थोड़ा बेटर तरीके से आगे उसके ऊपर काम कर पाओ. नेक्स्ट इज स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. अब मान लो आपके पास एक वर्ड है डांसिंग, डांस्ड एंड डांस. अब ये तीनों वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग तो सेम है, डांस. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को रूट फॉर्म में ले आओगे, दैट इज डांस. इसको स्टेमिंग बोला जाता है. और इसी से रिलेटेड एक और चीज होती है लेमेटाइजेशन, जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, ये भी आपको मोस्टली सभी एप्लीकेशंस में करना ही होता है. उसके अलावा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप सारे के सारे जो आपके टेक्स्ट में जितना भी चीज है उन सबको आप नॉर्मलाइज करते हो. ठीक है, सो दैट आप इजिली अपना एल्गोरिदम्स अप्लाई कर पाओ. तो इस तरह की आप और बहुत सारी चीजें करोगे, सबको अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको करनी होती हैं टू प्री प्रोसेस योर डेटा सो दैट आप सही तरीके से इसके ऊपर आगे जाके एल्गोरिदम अप्लाई कर पाओ. ठीक है, एक बार आपने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कर लिया, उसके बाद एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं एडवांस टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. सो यहाँ पर आप कुछ टेक्निक्स यूज करते हो जो आपके टेक्स्ट को थोड़ा और बेटर रिप्रेजेंटेशन में लेके आता है सो दैट आप उसके ऊपर एल्गोरिदम लगाओ. यहाँ पे आप प्रिसाइजली 3 इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हो. सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग. सो अगर आपके पास एक सेंटेंस है आई एम अ गाय,
तो हर वर्ड को वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो असाइन करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ एप्लीकेशंस में जो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। उसके बाद होता है पार्सिंग, एज इन आपका जो सेंटेंस है उसको आप डीकोड करते हो कि उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उस लैंग्वेज में। थर्ड होता है को रेफरेंस रेजोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल हुआ कि रोहित शर्मा इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही हैज हिट 3 डबल सेंचुरीज। तो यहाँ पे रोहित शर्मा और ही, ये दोनों सेम पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, ये हम बहुत इजीली समझ पाते हैं, बट मशीन्स को ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो रोहित शर्मा और ही सेम बंदा है, ये बताने को को रेफरेंस रिजोल्यूशन बोला जाता है। और ये भी बहुत तरह के जो एडवांस एनएलपी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स या फिर ट्रांसलेशन सिस्टम्स, वहां पर बहुत यूज होता है। तो ये भी एक टाइप का टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कवर कर लेते हो, उसके बाद आपको एक चीज और सीखनी चाहिए जो है टेक्स्ट एनालिटिक्स। इट्स बेसिकली ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन टेक्स्चुअल डेटा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अपने डेटा के अंदर जो पैटर्न्स हैं वो समझ में आते हैं, तो उससे ये हेल्प होता है कि आप फ्यूचर में जब एल्गोरिदम्स अप्लाई करोगे तो आप थोड़े ज्यादा एजुकेटेड तरीके से उन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करोगे, बिकॉज आपको अपने डेटा का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पैटर्न समझ में आ चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। सो आइडिया बहुत सिंपल है, आपके जितने भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो मैथमेटिकल होते हैं, मतलब उनको नंबर्स से मतलब है, बट हमारे पास टेक्स्चुअल डेटा है, तो हमें किसी तरीके से हमारे टेक्सचुअल डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, या कई जगहों पे इसको टेक्स्ट वेक्टराइजेशन बोला जाता है, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे कुछ फेमस टेक्निक्स हैं जो शायद आपने पहले सुनी भी होंगी। सबसे पहला है वन हॉट एनकोडिंग, दूसरा है बैग ऑफ वर्ड्स, तीसरा है TF-IDF। इन तीनों के बारे में शायद आपने कभी ना कभी मेरे चैनल पे भी सुना होगा या फिर कहीं और भी सुना होगा। इसके अलावा और कुछ फेमस टेक्निक्स हैं, एनग्राम्स, यूनिग्राम्स, बाइग्राम्स बनाना, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है वर्ड एम्बेडिंग्स, जहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज मतलब आप कुछ ट्रिक्स यूज करते हो, ट्रिक्स नहीं एक्चुअली टॉपिक्स यूज करते हो, जिसको आपने अगेन सुना होगा वर्ड टू वेक, शायद आपने सुना होगा। इसके अलावा आप एक दो और होता है डॉक टू वेक, एज इन डॉक्यूमेंट टू वेक, ये सब इसके अंदर ही आता है, थोड़ा डीप लर्निंग बेस्ड है बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल। सो ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है, और इतना करने के बाद आपको कुछ लाइब्रेरीज आप इस पूरे प्रोसेस में सीखोगे यूज करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरी है वो है एनएलटी के, स्पेसी और जेनसिंग, ठीक है। तो एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एज अ बिगिनर वो इन लाइब्रेरीज को पूरा एंड टू एंड पढ़ने लग जाते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इन टॉपिक्स को पढ़ने के प्रोसेस में अगर इस लाइब्रेरी का यूज हो रहा है तो आप उतना भर उस लाइब्रेरी में पढ़ो, बाकी की चीजें छोड़ दो, आप ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली समझ लोगे। सीधा टारगेट इज टू लर्न एनएलपी, नॉट द लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी आपका साइड प्रोडक्ट है इस लर्निंग में, आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना। बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं, ठीक है। इतना कुछ पढ़ने के बाद आप काइंड ऑफ रेडी हो कुछ बेसिक एनएलपी एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आप किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हो। जो एनएलपी एप्लीकेशन आप बना सकते हो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इस पॉइंट पे आप रेडी हो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए, जहाँ पे अगर आपके पास एक टेक्स्ट है तो आप उसको एक कैटेगरी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक न्यूज सेगमेंट है तो आप उसको स्टडी करके समझ सकते हो कि वो स्पोर्ट्स का न्यूज है या एंटरटेनमेंट का न्यूज है या फिर पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। सेकेंड चीज जो आप यहाँ पे अच्छा ट्राई कर सकते हो वो है सेंटिमेंट एनालिसिस, किसी टेक्स्ट का सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फेक न्यूज है कि नहीं है, सार्कैज्म है कि नहीं है, इस तरह की चीजें आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। सो अगर आपके पास एक सेंटेंस है आईफिल टावर इज इन पेरिस, तो इसमें से आप एंटिटीज को पकड़ के निकाल पाओ, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। जैसे कि यहाँ पे दो एंटिटीज हैं, पेरिस और आईफिल टावर, ठीक है। तो ये फ्यूचर में बहुत बड़े एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, जैसे कि चैट बॉट्स या फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स, तो वहां पर ये नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन बहुत यूज होता है। तो ये भी एक टॉपिक है जो आप कवर कर सकते हो इस पॉइंट पे। सो नेक्स्ट मैं आपको दो अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज टॉपिक मॉडलिंग। सो टॉपिक मॉडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, एक टेक्स्ट होता है, लेट्स से एक आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल, और आपको क्या करना है उस आर्टिकल को स्टडी करके ये बताना है कि उसके अंदर कौन से अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स यूज हुए हैं या फिर वो आर्टिकल किस टॉपिक के बारे में है,
ठीक है, लेट्स से आपके पास एक आर्टिकल है अबाउट पॉलिटिक्स, तो देर कुड बी मल्टीपल टॉपिक्स, राइट? तो इट कुड बी अबाउट नरेंद्र मोदी, या फिर इट कुड बी अबाउट इंडिया, ठीक है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स उसमें आपको निकालने होते हैं. यहाँ पर आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करते हैं जिसको हम LDA बोलते हैं, जो बहुत एफिशियंट रिजल्ट आपको देता है, ठीक है? फ्यूचर में हम इसी सेम चीज को डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स के थ्रू भी सीखेंगे, ठीक है? द लास्ट टॉपिक दैट यू कैन ट्राई एट दिस स्टेज इज टेक्स्ट क्लस्टरिंग, ठीक है? सो आप क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहे हो बेसिकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को आप क्लस्टर कर रहे हो इनटू अ ग्रुप, ठीक है? तो ये भी एक अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क है. तो इस पॉइंट पे आप ये सारे एप्लीकेशंस ट्राई कर सकते हो, एक आध छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो. अब ये जो मैंने पूरा NLP बेसिक्स आपको बताया, ये आपको कवर करने में, अच्छे से कवर करने में अराउंड 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना डीप जा रहे हो, ठीक है? एनीवेज, अगर आपने यहां तक कवर कर लिया तो अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको आगे मूव करना है, और यहां से हम बढ़ेंगे डीप लर्निंग वाले NLP के ऊपर, ठीक है? सो NLP बेसिकली 3 तरीकों से अप्रोच की गई है. ह्यूरिस्टिक मेथड्स, जो पुराने मेथड्स हैं NLP के, उनको यूज करके, सेकंड फिर आया मशीन लर्निंग यूज करके, और फिर थर्ड आया डीप लर्निंग यूज करके, जो आज की डेट में सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपके मॉडल्स हैं, जो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो डीप लर्निंग बेस्ड है. तो वो आपको सीखना है नेक्स्ट. और इसीलिए गाइज मैंने नेक्स्ट जो सेक्शन है उसका नाम रखा है प्रिपरेशन Level 2, और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने डीप लर्निंग पहले नहीं की है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रुक करके थोड़ा सा डीप लर्निंग के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, डीप लर्निंग सीखनी है, तभी आप आगे का जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो आप समझ पाओगे, ठीक है? तो डीप लर्निंग पढ़ने के प्रोसेस में आपको सबसे पहले डीप लर्निंग के बेसिक समझने होंगे. यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है वो सीखना पड़ेगा. उसको सीखने के प्रोसेस में आप कुछ कॉन्सेप्ट समझोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है डीप लर्निंग में. बैक प्रोपगेशन कैसे काम करता है, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है, व्हाट आर द वेरियस ऑप्टिमाइजर्स दैट यू यूज, और फिर केरास जैसी लाइब्रेरी के साथ कैसे काम करना है, बिकॉज इवेंचुअली आप केरास को यूज करोगे ये आर्किटेक्चर्स बनाने में या यूज करने में, ठीक है? एक बार अगर आप बेसिक्स क्लियर हो जाता है आपका, तो फिर आप मूव कर सकते हो वो डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स पढ़ने की तरफ जो आप यूज करोगे NLP में, ठीक है? सो जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं उनमें सबसे पहला है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है? तो ये एक ऐसा डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो सीक्वेंस बेस्ड डेटा के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है. और जैसा कि आपको पता है कि टेक्सचुअल डेटा भी सीक्वेंशियल होता है, पहला वर्ड आता है फिर दूसरा फिर तीसरा, तो RNN उसको हैंडल करने में बहुत अच्छा है, ठीक है? ऑल्दो RNN में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत लंबा अगर कोई सेंटेंस अगर आप दोगे उसको तो वो कॉन्टेक्स्ट रिटेन नहीं कर पाता, मेमोरी का प्रॉब्लम होता है RNN में. तो दैट इज वाई एक उससे भी बढ़िया आर्किटेक्चर आया जिसका नाम है LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बहुत यूज होता है आज की डेट में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल में. साथ ही साथ एक और आर्किटेक्चर है ग्रू, गेटेड रिकरेंट यूनिट, जो टेक्स्ट जनरेशन में बहुत यूज होता है. और लास्टली आपको CNN भी पढ़ना चाहिए, विच इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो इमेजेस के साथ काम करने के लिए बने थे, बट इवेंचुअली लोगों ने डिस्कवर किया कि ये टेक्सचुअल डेटा के साथ भी बहुत बढ़िया है, स्पेशली अगर आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसा काम करवाना है इस न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है? अगर आपने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद आप मूव कर सकते हो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में, जहां पे आप 2-3 चीजें पढ़ते हो. आप पढ़ते हो ऑटो एनकोडर्स के बारे में, विच इज बेसिकली एनकोडर डिकोडर, जिसको यूज करके आप कुछ एडवांस NLP टास्क कर सकते हो, जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है. इसको पढ़ के आपको ये भी समझ में आएगा कि जो आपने थोड़ी देर पहले वर्ड एम्बेडिंग्स पढ़ा था, वर्ड टू वेब जैसा आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है, वो आप इस टॉपिक में समझ सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मूव करना है जिसको बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म्स, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो किसी भी सेंटेंस के एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अटेंशन प्रोवाइड कर सकता है, जिस तरीके से हम अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, सिमिलरली न्यूरल नेटवर्क्स भी अटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं. और जब से ये आया 2015 में, उसके बाद से न्यूरल नेटवर्क्स लाइक दे बिकेम द मोस्ट
सॉर्ट आफ्टर टेक्नोलॉजी इन एनएलपी, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है ट्रांसफॉर्मर्स, विच इज अगेन अ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसको बहुत यूज किया जाता है एडवांस एनएलपी टास्क में. और फिर ट्रांसफॉर्मर्स का ही एक एग्जाम्पल है बर्ट, विच इज बेसिकली गूगल का आर्किटेक्चर जो इंटरनेट के 40 GB टेक्सचुअल डेटा के ऊपर ट्रेंड है, और उसको यूज कर सकते हो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है? सो अगर आप ये सब कुछ पढ़ लिए तो फिर आप रेडी हो एडवांस एनएलपी टॉपिक्स हैंडल करने के लिए. यहाँ पे मैं आपको कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स बता रहा हूँ, ऑब्वियसली सब कुछ नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. सबसे पहला है ट्रांसफर लर्निंग. ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक मशीन लर्निंग मॉडल को बहुत बड़े डेटा पे ट्रेन करते हो और फिर आप उसको छोटे डेटा पे यूज करते हो प्रिडिक्शन करने के लिए. तो बहुत सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि आप साइकिल चलाना सीखते हो और आपका जो नॉलेज है साइकिल चलाने में आप उसको यूज करते हो बाइक चलाने में. तो यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है डीप लर्निंग में, जिसको हम ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं. पहले ये बहुत यूज होता था CNNs में इमेज और वीडियोस के साथ काम करने में, बट बाद में लोगों ने समझा कि इसको आप टेक्सचुअल डेटा एनएलपी में बहुत यूज कर सकते हो, ठीक है? तो आज की डेट में बर्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करके आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो टास्क है वो है मशीन ट्रांसलेशन. सो अगर आपने कभी भी गूगल ट्रांसलेट जैसा सर्विस यूज किया है जो किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाता है, तो इंटरनली आप मशीन ट्रांसलेशन कर रहे हो. और ये तभी पॉसिबल है जब आप डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स यूज करो, लाइक ट्रांसफॉर्मर्स या फिर आप ऑटो इनकोडर्स यूज करो, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. The third one is Q&A systems, question and answer systems. आपने शायद Google में भी देखा होगा कि अगर आप एक कोई question पूछते हो like who is the prime minister of Israel, let's say, तो झट से Google क्या करता है कि बहुत सारा जो टेक्स्ट प्रोसेस किया है उसके अंदर से आपको सही आंसर निकाल के दिखाता है. तो इस तरह के सिस्टम्स भी आप बना सकते हो अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स के ऊपर काम कर रखा है, ठीक है? नेक्स्ट इज टेक्स्ट समराइजेशन. नाम से समझ में आ रहा है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है आप उसका समरी एज एन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज चैटबॉट्स एंड स्पीच रिकॉग्निशन. इसका तो कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. गूगल का गूगल नाउ या फिर सीरी या फिर कॉटाना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं चैटबॉट प्लस स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के. तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो अगर आपने डीप लर्निंग टेक्निक्स सीख ली है. अब मेरा सजेशन क्या होगा, जब आप ये पूरी चीज पढ़ रहे हो कि आपको इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर में आपका इंटरव्यू कौन सी कंपनी के साथ हो रहा है और उनका प्रोडक्ट क्या है. तो आपको आइडिया हर चीज का होना चाहिए, बट अगर आप सब कुछ को बहुत डीप में पढ़ने जाओ या बनाने जाओ तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो वॉट यू शुड डू इज कि सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट एक को टारगेट करो और उसको अच्छे से पढ़ो. इनमें से किसी भी एक चीज को आप बहुत अच्छे से अपना मेजर प्रोजेक्ट बना के पढ़ सकते हो, ठीक है? लेट्स से आपने चैटबॉट पिक किया, आप रासा फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हो और आप स्क्रैच से पूरा चैटबॉट बना रहे हो, ठीक है? तो दैट कुड बी योर फाइनल प्रोजेक्ट जो आप इंटरव्यू में दिखाओगे. बट इसके अलावा भी आपको बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के आइडिया ले लेना है, ठीक है? तो दैट इज माय सजेशन. अब ये जो पूरा एडवांस वाला जो टॉपिक है इसको भी कवर करने में आपको 1-1.5 महीना लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना डीप जा रहे हो, ठीक है? और अब लास्टली आपको वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस यू शुड बी बिल्डिंग सम प्रोजेक्ट्स. Also, you should do deployments, कि आप end-to-end project बना के उसको internet पे डाल रहे हो as a full-fledged product, ठीक है? So, सबसे पहले आपको कुछ basic और intermediate projects करने चाहिए. मेरा suggestion होगा 3-5 projects आप कर लो इस तरीके के, जिसमें basic heuristic methods use हुए हों या फिर machine learning use हुआ. ऐसे आप 3-4 projects अगर कर लोगे तो वो resume में आपके सही से दिखेंगे. Second, आपको एटलीस्ट वन मेजर प्रोजेक्ट करना चाहिए. इनमें से कोई भी जो मैंने डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बताए हैं उनमें से किसी को भी पकड़ के आप काम कर सकते हो. थर्ड मेरा सजेशन ये होगा कि ये जो बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि गूगल का GCP है या AWS है या फिर अज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी बहुत सारे APIs प्रोवाइड करते हैं NLP के डोमेन में. आपको इनके साथ भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो वहां पर इनमें से किसी API का यूज हो रहा हो, ठीक है? फोर्थ मेरा सजेशन होगा कि आप ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए ऊपर करने के लिए, इनको एंड टू एंड करो, एज इन उनको कंप्लीट वेबसाइट या एप्लीकेशन में कन्वर्ट करो और उनका डिप्लॉयमेंट भी देखो, उनको AWS पर
डिप्लॉय करना है या जीसीपी पे डिप्लॉय करना है या हेरोकू पे डिप्लॉय करना है, ये सब कुछ आप एंड टू एंड देखो, ठीक है। अब ये करने में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और सीखने पड़ेंगे, लाइक वेब डेवलपमेंट यूजिंग फ्लास्क या फिर एपीआई डेवलपमेंट, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ सकता है, ठीक है। एंड लास्टली आपको पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो चीजें होती हैं, जैसे कि आप मॉनिटरिंग करते हो यूजिंग डैशबोर्ड्स एंड ऑल, या फिर आप मॉडल्स को अपडेट करते हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ये चीजें भी आपको थोड़ी सी सीखनी होंगी, क्योंकि हो सकता है आपसे ये डिमांड किया जाए, ठीक है। लास्टली अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो फिर आपका आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इंटरव्यू प्रिपरेशन को मैंने अलग से इसलिए ऐसे पुट किया है क्योंकि मानो या ना मानो, आप कितना भी पढ़ के जाओ, एंड में इंटरव्यू प्रिपरेशन थोड़ा अलग ढंग से आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 सजेशंस दूंगा। पहला, आप अपने प्रोजेक्ट्स जो बनाओ उसके इर्द गिर्द जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उसको अच्छे से करो, क्योंकि प्रोजेक्ट पे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड, आपको जितने भी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं गूगल पे या गिटहब पे, आप उनको पक्का एक बार लगा लो। मुझे नहीं लगता 100-200 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे एनएलपी के ऊपर, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। और थर्ड, आपको कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने चाहिए, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंपनी को ये एनएलपी टास्क करना है, बताओ आप उसको कैसे करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। That's it. यही है पूरा का पूरा roadmap. So that was the video, guys. I hope मैं आपके दिमाग में थोड़ी clarity ला पाया अगर आप NLP का preparation करने वाले हो। अगर आपको ये video पसंद आया तो please, it's a request. Please like the video. Please share it to someone जो NLP का preparation कर रहा है. And please subscribe my channel. ठीक है। Within 2 days I'll be putting up the first lecture of my NLP course. So मैं उसके लिए बहुत excited हूँ. So that's it from my side. Thank you. Bye.